राधे कृष्ण दोस्तों, स्वप्न दोष का सबसे बड़ा कारण है हमारे आचरण। हमारे आचरण ऐसे हो जाते हैं कि इन आचरणों के कारण हम अपने दिनचर्या को सही से संभाल नहीं पाते, या कुछ भोजन गलत हो जाता है, या कुछ संग गलत हो जाते हैं, चिंतन गलत हो जाते हैं। इस प्रकार कई कारण हो सकते हैं, या जब वीर्य नाश का स्वभाव बन जाता है तो वो अपने आप आदत बनती जाती है। ये शरीर के हर एक अंग के साथ होता है। जब आप हर रोज व्यायाम करते हो और एक दिन छुट्टी ले लो तो आपको चैन नहीं मिलती। ठीक इसी तरह अगर आपके स्वभाव में वीर्य नाश है तो वो स्वप्न दोष बन जाता है। या अगर आप तमोगुणी भोजन खाए, बहुत कड़वा, बहुत तीखा, बहुत खट्टा, तब वीर्य पतला हो जाता है, जिससे स्वप्न दोष होने लगते हैं, या स्वप्न में गलत चिंतन हो जाते हैं तो जागृत में उसका परिणाम मिलता है। यदि आप स्वप्न दोष से बचना चाहते हो तो सर्वप्रथम उसको भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रभु की शरणागति से हमारा जो अंतःकरण की मलिनताएं भावनाएं है वो नष्ट हो जाती है, जिससे गलत विचार नहीं आएंगे। अगर भोजन शुद्ध है, आपका पेट भी साफ है, आप व्यायाम भी करते हैं और आपने कोई शारीरिक संबंध भी नहीं बनाए, लेकिन विचार गलत हो गए, तब आप स्वप्न दोषी होंगे। इसलिए प्रभु में शरण होकर शास्त्र स्वाध्याय का अभ्यास करें, नाम जप मंत्र जप करें, सात्विक भोजन रखें और खूब व्यायाम करें, जिससे वीर्य गाढ़ा होता जाएगा और परिणाम हेतु स्वप्न दोष नहीं होगा। इसलिए शरीर को थकाए इससे हस्त मैथुन भी रुक जाता है। जैसे महीने में दो बार, फिर एक महीने में एक बार, ऐसे करके इसका अंतर बढ़ाते जाइए। इसलिए पुरुषों को एक घंटा तो व्यायाम योग करना ही चाहिए। व्यायाम, भोजन सुधार, संग सुधार, अच्छे विचार वाले मित्र, विचार सुधार और नाम जप, इसी से स्वप्न दोष का सुधार हो जाता है। तथा औषधियां लेने की आवश्यकता हो तो ले, क्योंकि यदि विचार शुद्ध ना हो तो औषधि भी काम नहीं करेगी। इसलिए प्रभु का नाम जप करते रहे, इससे विचार शुद्ध होंगे। राधा नाम रटते रहिए और स्वयं परिणाम देखे, ये करके देखिए। हमारा पक्का वादा है कि आपसे स्वप्न दोष तो छूटेगा ही छूटेगा, साथ में जीवन में बहुत 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 बड़ा परिवर्तन मिलेगा। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु।